हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू कमाल का चीज़, जिससे आप जो है अपनी GTA Vice की गेम में फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जो है मंगवा सकते हैं, वो भी एक चीज कोड के ज़रिए। तो दोस्तों, मुकम्मल प्रोसेस मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, मुकम्मल देखना है ताकि आप भी मुकम्मल तरीका जो है सीख लें और अपनी GTA Vice की गेम में इस फायर ब्रिगेड वाली को जो है आसानी के साथ अपनी GTA Vice की गेम में मंगवा लें। तो दोस्तों, बिना आपका मैं टाइम इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको वो चीज कोड एक्टिव करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको इसका छोटा सा प्रोसेस बता के इसका चीज कोड भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाला चीज कोड जो है एक्टिव कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे पास जो है ये फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जो है आ चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा, चलिए हम इसमें थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है हमारी GTA Vice की गेम में वर्क करती है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि ये GTA Vice की गेम में ये फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जो है बहुत ही मुश्किल में जो है देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक चीज कोड पे वीडियो बना लें ताकि हमारे व्यूअर जो है आसानी के साथ इस फायर ब्रिगेड वाली ट्रक को जो है मंगवा लें। तो दोस्तों, चलिए बिना आपका मैं टाइम इसके आपको इसका प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों फाइलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से जाके इन्हें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इन दोनों फाइलों को यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो आपके सामने कुछ और फाइल बन जाएगी। तो आपने ये जो GTA VC इजी कार स्पिनर वाला फोल्डर है, इसे उठा के क्ल्यू वाले फोल्डर में डाल देना। उसके बाद ये क्ल्यू वाली फाइल और vc.clue.asi इन दोनों फाइलों को यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है अपने GTA Vice के गेम फोल्डर में और इन दोनों फाइलों को यहाँ पे पेस्ट कर देना ऊपर, रिप्लेस फाइल इन द डेस्टिनेशन। जैसे ही करोगे तो हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फटाफट से हम अपनी गेम को जो है स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका चीज कोड भी बता देता हूँ जैसे हमारी गेम जो है स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, लोडेड गेम या न्यू गेम कहीं से भी आपने स्टार्ट कर लेनी है, इसका कोई भी इशू नहीं है। तो दोस्तों, हमारी गेम जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप या कीबोर्ड से टाइप करना है F4। जैसे F4 करेंगे तो नीचे आपको जो है ये आ जाएगा, आपने यहाँ से चेंज करना है और फायर ट्रक वाला चीज़ को जो है ढूंढ लेना है। जैसे ही आ जाए तो आपने इंटर को प्रेस करना है। जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जो है आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को नहीं समझ पाए और आपके पास ये फायर ट्रक जो है नहीं आ रही, तो आप बैक करके इस वीडियो को दोबारा से ये प्रोसेस जो है लाजमी समझ लें, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने ये प्रोसेस नहीं समझा तो आपके पास ये ट्रक नहीं आएगी, तो आपके ये वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि आपके पास भी ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, थैंक्स।